क्यों मिलना चाहते थे? राहिल, मैं ये कहने है कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। और उन्होंने जो हमारे साथ किया वो ठीक है? देखो हानी एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, उसकी परवरिश शबाना आंटी ने की, और ये बात तुम्हारी अम्मी अच्छी तरह से जानती है। और उससे पहले बहुत सारे सवाल या निशान हैं। किन किन चीजों की वजाहतें देंगे आप मुझे? तो उसकी सजा तुम हानिया को क्यों दे रहे हैं? इसमें तो उसका तो कोई कसूर नहीं है। देखें, अब इस बारे में बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूं, मुझे उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना। देखो राहिल, तुम एक पढ़े लिखे सुलझे हुए लड़के हो, जिस माहौल में तुम बड़े हुए वहां तो इस तरह की बातों को अहमियत भी नहीं दी जाती है। मैं वहां पढ़ा जरूर हूं, मगर मैं वहां के लोगों की तरह नहीं। अब प्लीज आप जाइए, मुझे आपसे और बात नहीं करनी। देखो राहिल, अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो उस पूरे खानदान पे क्या गुजरेगी? चची जान किस किस को जवाब देती फिरेंगी? ये आपकी गलती है और आप भुगतेंगे। और वैसे भी हमने अपने घर वालों और दोस्तों को बता दिया है कि हम ये शादी नहीं करेंगे। और आप इतने बजित क्यों हो रहे? आपकी अम्मी ने तो हमें बताया था कि आप हानिया से शादी करने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि मेरे लिए मेरी ख्वाहिश से ज्यादा उसकी इज्जत अहम है। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ सच जानने के बाद आप अपनी मुसीबत मेरे सर पर डालना चाहते हैं? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच जान के राहिल, लेकिन खुश भी कि तुमने खुद ही इनकार कर दिया। तुम जैसा शख्स हानिया को डिजर्व ही नहीं करता। भाई गए उन लोगों से बात करने। चची जान आप परेशान ना हो, वो लोग जरूर मान जाएंगे। क्यों गया है वो वहां? ये सारी बात बिगाड़ के क्यों गया है? मेरे बेटे को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। जो सच बात थी वही कही है, कुछ गलत तो नहीं कहा हमने अपनी तरफ से? आप अपनी दुश्मनी में इस हद तक बढ़ जाएंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था भाभी। बड़ा जोम था ना तुम्हें कि वो तुम्हारी लय पालक बेटी, जिसके माँ बाप का कोई अता पता ही नहीं है, ब्याह कर एक बहुत काबिल डॉक्टर के साथ अमेरिका जा रही। चलो अब भेज दो उसे अमेरिका। अम्मी ये क्या किया आपने? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस इस वक्त मुझसे जरा भी आर्ग्यूमेंट मत करना, वरना चलो चलो ना, समझ नहीं आ रही तुम्हें? क्योंकि मैं ग्रीन हूं।